कुछ सपने पूरे करने हैं और कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफर शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। पर्स भी डाल लिया और क्या है, पावर बैंक डाल लिया, हाइड्रेशन पाउच डालना है, ये छोटा सा ट्राइपॉड है इसको भी डाल रहा हूँ। चलो जी एक बार टायर प्रेशर चेक करना जाके मुझे। अभी मैं लेके जा रहा हूँ एक टॉप बॉक्स अपना साथ में, इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, इसमें एक रेनकोट डाल रखा है और टूल किट है, बस यही लेके जाऊँगा साथ में ना, वहाँ पे मुझे हेलमेट रखने के लिए अच्छा होगा, इसलिए टॉप बॉक्स अपना लेके जा रहा हूँ मैं। चेक कर लेते हैं टायर प्रेशर एक बार ना, सही है टायर प्रेशर पिछला ठीक ही होगा, कर लेना चाहिए एक बार चेक कर ही लेते हैं, एक मिनट लगेगा, इसको 32 कर लेता हूँ। ठीक है ये हाइड्रेशन बैग है जो साथ में लेके जा रहा हूँ, गर्मी ज़्यादा है तो कैरी कर लेता हूँ। सो गाइस देखो मैं हो गया रेडी, साथ में लेके जा रहा हूँ एक बैग, हाइड्रेशन बैग है साथ में। थोड़ी देर चलाएंगे और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि कैमरा का एंगल सही है कि नहीं है, ये नया मैंने माउंट मंगा रखा था। हाँ जी भाई, हाँ मेरे एक क्यों नहीं पार्सल है, ये पे तो पेड है ना पहले थे, मैं हो जाए दूजा आऊँगा। चलो भाई पार्सल भी ले लिया हमने, जब मेरा एक और पार्सल आने वाला था जिसमें मैंने वॉलपेपर मंगा रखे हैं, जिस रूम में रिकॉर्डिंग करता हूँ वीडियो समटाइम्स वहाँ की वॉल के लिए वॉलपेपर मंगवा रखे हैं, तो मैंने सोचा वही आए होंगे। ऊपर की तरफ बादल हैं देखो पहाड़ों पे, उसी साइड जाना है, देखते हैं बारिश ना हो ऊपर की तरफ, अगर बारिश होगी तो रिस्क नहीं लेंगे। ऊपर रास्ता बोला कि थोड़ा सा ख़राब है, ऊपर जाके पता चलेगा कितना ख़राब है रास्ता। यहीं आके रुकता हूँ और कैमरे का जो है एंगल चेक कर लेता हूँ एक बार, यहीं रुक जाता हूँ भाई। कैमरे का एंगल थोड़ा सा करेक्ट किया है और साथ में फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा दिया, चार्जिंग नहीं है फ़ोन में, प्लस मैप भी लगा लिया। यहाँ से 28 किलोमीटर है पपलोड़ा ना, इस रास्ते से जाऊँगा मैं। खड्डे देखो, खड्डे कुएं कुएं, इधर भी बादल हो ही गए हैं, बारिश ना हो। सो भाई मैंने फाइनली जो मुझे डिजायर्ड एंगल चाहिए था कैमरा का वो मैंने सेट कर लिया है, और देखो कितने सुंदर चाय के बगीचे हैं इधर ये दोनों साइड। अभी तक मैंने ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी है तो कर ही देते हैं फिर। देवी और सज्जनों मैं हूं अमरदीप नॉर्डन राइडर, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस आज के ब्लॉग में जैसा कि मैं जा रहा हूं उतराला, जो कि पपरोला से ऊपर जाके एक बहुत ही सुंदर जगह है, वो मुझे थोड़े दिन पहले पता चला, तो बस वहीं जा रहा हूं, देखते हैं कैसा व्यू है वहाँ का। ये है अंद्रेटा, अंद्रेटा पहुँच गया बीच बीच में से आके ना, ये सामने जो है सोवा सिंह आर्ट गैलरी है, और जिन्होंने गैलरी देखी नहीं है सोवा सिंह आर्ट गैलरी वो मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी बना रखा है, बाट स्टेट में कवर किया था, बाट स्टेट वाला ब्लॉग देख लेना आप, उसमें मैंने कवर कर रखी है सोवा सिंह आर्ट गैलरी भी कवर की है, सोवा सिंह जो थे फेमस पेंटर थे, सारा डिटेल में कवर किया है तो देख सकते हैं। पहाड़ों पर तो अंधेरे हो रखा है, बादल काफ़ी घने हैं और काले रंग के बादल हैं पहाड़ों पर, या तो बारिश हो रही है भाई या तो होने वाली है। तेल डलवाना है, पपरोला पहुँचते सबसे पहले तेल डलवाऊंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा मैं। इसकी क्लच केबल भी चेंज करवानी है, और इसके जो कोयल जहाँ से ऑयल लीक हो रहा है तो उन्होंने बोला था वो दोबारा से डालेंगे, अवेलेबल नहीं थी शायद, आ गई है मैंने पूछा था, तो बस वो भी डलवा लूँगा, दो तीन काम करवाने हैं हो जाएँ तो अच्छा है। अपनी बाइक को हमेशा ऑपरेशनली रेडी रखने के लिए ये सारी चीज़ें तो करनी ज़रूरी हैं। मंदिर मंदिर भी हैं इधर बहुत, ठीक आ गया हाईवे, लो जी आ गया पेट्रोल पंप भी, इंडियन ऑयल का है। अच्छा मौसम देखो पहाड़ों पे, वो देखो सामने पूरे काले बादल है, 94.37 रुपीज़ पर लीटर है पेट्रोल का दाम इधर।
बस भाई 8.69 लीटर डाला। चलो पेट्रोल डलवा लिया मैंने। बहुत सुंदर जगह है, बस वाला दे देगा मुझे साइड, बोल दिया इसने भी थैंक यू। ये देखो लोगों के ना मकान कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ बना रखे हैं तो खेतों के बीच में कितने सुंदर सुंदर मकान बना रखे हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। रोड कुछ एडवेंचरस हो रहा है, देख लो हल्का फुल्का ऑफ रोड तो हो ही गया, हल्का फुल्का क्या ठीक ठाक ही ऑफ रोड है, वैसा ही है जैसे हमने स्पीति में किया था। बंद हो गया तो काम खराब हो जाएगा, मैं आऊँगा कैसे नीचे। बारिश नहीं हो, बस बारिश नहीं होगी तो बंद नहीं होगा, बारिश हो गई अगर बंद हो गया तो ऊपर ही स्ट्रक हो जाऊँगा मैं, पैदल तो आ ही सकता बंदा। आगे का रास्ता और ज़्यादा एडवेंचरस होता जा रहा है भाई, ये डैम है यहाँ तक तो आऊँगा ही मैं, थोड़ा सा आगे जाके आता हूँ भाई। कार खड़ी है, उनसे पूछते हैं आगे कुछ है, नहीं है गाड़ी में कोई भी नहीं है, ऐसे चलते हैं ऊपर तक जाएंगे वापस जाके। ऊपर का रास्ता और ज़्यादा एडवेंचरस हो रहा है, अभी पूरा ग्रेवल रोड है ऊपर तक का। भाई हट जा मेरे रास्ते से चुन्नू मुन्नू, बड़े सुंदर नज़ारे हैं भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। ये देखो रास्ता बंद है, नहीं जा सकते। ये देखो रिस्क भी है जैसे पहाड़ों पे जाने का, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें मोड़ लेता हूँ मैं। आगे रास्ता बंद है, रिस्क नहीं ले सकते भी, कुछ पत्थर कहीं भी कहीं से भी गिर सकते हैं। इधर नेटवर्क है, उधर ही बैठते हैं चल के उस डैम के पास में, बात करते हैं कुछ, इधर रुक के नज़ारे देखते हैं पहले। सो गाइस मैं इससे आगे जा नहीं पाया, आगे ना वहाँ पे उस जगह पे पूरा देखो लैंडस्लाइड हो रखा है, रास्ता बंद है और मुझे ये भी नहीं पता है रास्ता जाता कहाँ पे है। और एक खड़ी है भाई अपनी बाइक जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और आप नज़ारे देखो इन पहाड़ों के सामने। चलो भाई चलो, तीन से चार जगहों पे ना रोड थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, बस और कुछ नहीं है, पूरी ग्रेवल है भाई, ब्रेक तो लगा ही नहीं सकते, बस धीरे धीरे चल सकते हैं इधर भाई। ये है वो डैम जिसके पास चलते हैं, अभी इधर रुकते हैं, इधर कुछ कैफे कुफे भी लग रहा है मुझे, अगर होगा तो चाय पानी का सेवन करेंगे, नहीं होगा तो पूछ पाछ के निकल जाएंगे। ये देखो सब मलबा है, और मैं इधर से आया भी ना बहुत स्लस है इधर, यहीं पार करूंगा मैं अपनी बाइक। तो भाई आगे जा नहीं सकते।
पुलिस वाले सर ड्यूटी पे, उन्होंने बोला भाई आगे आप नीचे विदाउट परमिशन वीडियो नहीं बना सकते। और परमिशन कहाँ से मिलती है ये नहीं पता मुझे, बट मैं यहाँ से बना ही लेता हूँ। इन्होंने बोला ऊपर से बना सकते हैं। मेन मुद्दा है हमें डैम देखना है, परमिशन मिले ना मिले यहाँ से भी दिख रहा है सारा, है ना। सो बस ये देखो भाई, ये है पूरा पानी रोक के रखा हुआ है। यहाँ से पाइप्स के थ्रू नीचे जाता है, कहीं टर्बाइन वगैरह इनका होगा वहाँ लगा रखा होगा, वहाँ से बिजली बनती है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, और प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो बोर्ड वहाँ पे, और वहाँ तक मैं जा नहीं सकता, दोनों है। ये देखो फोर वे करके है, पुलिस वाले सर हैं वहाँ ड्यूटी पे। मैंने सोचा वहाँ पे कुछ है खाने पीने का, चाय वगैरह पियेंगे जाके, बट वो शायद हमारा नहीं है या प्रोजेक्ट वालों का होगा उनका, तो वही जा सकते हैं वहाँ पे। ये था भाई डैम जिसको देखने के लिए मैं आया था। पहाड़ ऊपर से है खूबसूरत, थोड़ा सा रिस्की रोड है बस, और कुछ नहीं है। अब चलते हैं वापस, बारिश का मौसम हो रखा है, मैं चाहता हूँ कि नीचे तक पहुँच जाओ ना बारिश से पहले। ये नहीं होगी स्टार्ट अभी ऐसे, चलो बस हो गई स्टार्ट, अभी धीरे धीरे निकलेंगे। इधर रुक जाते हैं, ब्लॉग भी एंड कर देते हैं इधर ही रुक के, है ना। चलो ये लगा दी हमने ब्रेक। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यही एंड कर देता हूँ। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। सो गाइस मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ।